सहेंगे नहीं सहेंगे। सातवां वेतनमान लागू करो, सातवां वेतनमान लागू करो, लागू करो, सातवां वेतनमान लागू करो। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल की तहसील गुन्नौर के ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल के 20वें दिन उप डाकघर गुन्नौर शाखा जुनवई पर डाक कर्मचारी लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जीडीएस ओमपाल वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने जनता से किए तमाम वायदे तोड़े हैं। वहीं कुमारपाल ग्रामीण डाक सेवा ने बताया कि सरकार के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। ग्रामीण डाक सेवा इसका जवाब चुनाव में वोट के माध्यम से सरकार को देगी। ये हम जो है ग्रामीण डाक सेवक हैं जी। गुन्नौर उप डाक घर में जो है 16 वो शाखाएं हैं जी। 16 शाखाएं जो है वो सब बंद हैं, हड़ताल पर हैं जी। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम काम पर नहीं लौटेंगे। सातवां वेतन आयोग गवर्नमेंट ने सन 2016 में सब विभागों को दे दिया जी। लेकिन हमारा जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा विभाग को आश्वासन के बाद आश्वासन, आश्वासन के बाद आश्वासन, यानी 2.5 वर्ष बीत गए लेकिन अभी तक लागू नहीं किया। फिर मजबूरन होकर हमारे यूनियन के नेताओं ने हड़ताल का सहारा लिया। अब हमारी 14 तारीख से अब तक हड़ताल जारी है और जब तक हमारा सातवां वेतन आयोग लागू नहीं होता तब तक हम अनिश्चितकाल हड़ताल पर ही जाए। हड़ताल पर बैठे ओम प्रकाश वर्मा, किशनवीर, दिनेश प्रेमपाल सिंह, ओमवीर सिंह, विजयपाल, अश्वनी कुमार, ब्रह्म स्वरूप, संजय वर्मा, कुमारपाल, रामवीर आदि लोग मौजूद रहे। जब तक सातवें वेतन कमेटी की अध्यक्ष कमलेश चंद्रा की रिपोर्ट पूर्ण रूप से लागू नहीं करेंगे तब तक डाक कर्मियों की हड़ताल जारी रहेगी। तेज निगाहें के लिए जनपद संभल से मनीषा पांचाल के साथ गजराम सिंह। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सातवां वेतनमान लागू करो, सातवां वेतनमान लागू करो, लागू करो, सातवां वेतनमान लागू करो। What are you doing?